शबी है बैतुल मामूर, जैसे अर्श पे बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा, वैसे जमीन पे बैतुल्ला इंसानों का, ये भी शबी है। और ये जो मिंबर मस्जिदों में रखा जाता है ये मिंबर भी शबी है। रिसाल के माप को एक सहाबी ने रसूल मस्जिद में खजूर के सतून के साथ खड़े होके खुतबा दिया करते थे। एक सहाबी यमन से आया, कारोबार उसका अच्छा था, उसने वहीं पे मदीने में बैठ के एक मिंबर बनवाया और उसने कहा मुनासिब नहीं लगता कि आप खड़े होकर तकरीर, आप बैठ के खुतबा दिया। ये मिंबर उसने रसूल के लिए, रसूल उसमें बैठना शुरू हो गए और उसके बाद सब मस्जिदों में आ गया। ये जो मस्जिद के ऊपर गुंबद और मीनार है, मस्जिद नबवी और गुंबद खिजरा भी शबी है। तकलीफ मुझे उस वक्त होती है जब शबी की तरफ सजदा करके शबी के नीचे शबी पर बैठ के मौलवी कह रहा होता शबी देखने से निकाह टूट जाता है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ये मजहबी प्लेटफार्म नहीं है निकाह टूटने की, इतना कच्चा निकाह निकाह तोड़ दिया उसने शबी के ऊपर। ये लेक्चर है जो शबी जुलजना नहीं निकालते, ये वो उस हवाले से है। तो इन्होंने घुमा पर आके आकर डेढ़ दो वाला का लाल भी तो करना, निकाह टूट गया, निकाह से मुझे हंसी आ रही है। आप देख रहे हैं निगेवान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान, उससे भी आई ना, वो भी शबी है जो करबला की मिट्टी के ऊपर रख के सजदा करते हैं। मुख्तलिफ है, अभी तक तो हमें यही डेफिनेशन नहीं मालूम हुई कि बिदात क्या चीज़ है। किसी भी मौलवी की आप देख लें, वो इधर को जा रहा होगा, अगला इधर को जा रहा होगा, उनको दोनों को इकट्ठा करेंगे तो आपस में नहीं टैली होएंगे या वगैरह वगैरह। ये अहले हदीस की बात कर रहे हैं, शाही पाकिस्तान या लव यू। आप देख रहे हैं बिहाइंड दी वाल, तो निगेबान पाकिस्तान, तो मैं कुर्बान इमरान खान, पसे पता सच ऑफिशियल, और इसी नाम से हमारे फेसबुक भी हैं और ट्विटर भी हैं और नामों से भी हैं। बंद करवाओ कर्नल साहब, ठीक है ना, बैठ कर रहो, चलो ड्यूटी बेचारे के, तू भी तो हलाल करना, हमारे से आपने क्या लेना है। ये तो होगी बात, हमने हरा काम में खरा तड़का। काजी के पट रही है, पट रहा है, 8 तारीख को केस जो लगाया, लेकिन मुस्लिम लीग का मीडिया सेल तेज़ हो गया, उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, वो क्या बात हुई जी, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इसमें, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या, कि ये अगर इसकी फेवर में केस कर देगा, इसकी फेवर में केस कर देगा मंसूर और वो, तो उसने काजी ने चले जाना अक्टूबर में, तो मंजूर ने आ जाना वहाँ पे। एक तो ये बात, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो तमाम जजों का 65 से 68 साल हो जाएगी, तो फिर अच्छा बहरहाल शर्तें लग गई, जुआ खुल गई है, जुआ खुल गई है कोचा जो मर्जी लगा ले। अच्छा जी, वो ये हुआ कि ये जो सीटें हैं ना, ये इमरान खान को मिलने का रेट कम है, मतलब कन्फर्म है सीटें मिल जाएंगी, और जो रेट कम है उसमें फिर पब्लिक डूबेगी अगर वो उल्टा हो गया। तो वो ये है कि इनको जो ज़कात में मिली हुई हैं सीटें, इसको ना दी तो उनकी चांदी हो जाएगी, तो लेकिन भूखी मरया जाएगा। अच्छा, ये जुए की बातें होती हैं, ये और चीज़ होती, हम तो पाकिस्तानी के पास पैसा ही इतना, लेकिन वही हैं जो 5% लोग हैं, तो पैसा ही तो वही है जो 5% और जिन्होंने 85 अरब की गंदम बनवा ली, टोटल ओवरऑल 365 अरब का नुकसान हुआ है मुल्क का, ये वही 5% लोगों का, ये हो इसको मीरुल मोमिनीन बना दिया जाए तो पुठा लटका दे। लेकिन अब ये भी तो पाले ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, एक फजलुरमान कभी हुआ उसका कुछ बाल भी बीका किया किसी ने, इसकी जूँ भी मारी किसी ने, किसी की जरूरत नहीं। वो फजलू के दूसरा ये लबैक, लबैक अवान ग्रुप है जो, ये भी उन्हीं के बंदे हैं, फिर क्या कर लेगा, गुड़ खा के मर जाएगा, यहाँ तो ये बात हो गई। अच्छा जी, एक और बात आपको सुनानी थी, जेल स्टाफ की सबके बेचारों को सोने तक नहीं दिया, क्यों गया तो गया किस तरह, मजमून बाहर है, डॉक्टर फैजल ने रिपोर्ट कर दिया भी उनके पास हर तरह का है, वो हर तरह से केस नहीं जो बनना, वो फिर वापस जब रिपोर्ट उधर किया गया डायरेक्ट,
आईओ को रिपोर्ट की। आईओ तो मियां साहब, आईओ तो समझते हो ना, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं, इंटेलिजेंस ऑफिसर। अच्छा जी, उसको रिपोर्ट कर दिया गया जिसकी ड्यूटी लगाई थी। उसने कहा जी इधर कुछ नहीं जो होना, उधर ही कुछ करो। तो करा, तो वो NCCA पहले था, वो नेशनल वो NCA वो जो है आर्टिस्टों का जो आर्ट हो जाए ना, ये उसकी NCA, जिसमें फैज़ अहमद फैज़ की बेटी हलीमा हाशमी मेरे का उसका नाम था, वो भी था। जब छोटे छोटे थे तो उसके पीछे पूंडी करने जाया करते थे, लिबरल लोग थे ना ये। तो जो उसके वो नहीं, ये NCCA नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी, तो ये वहाँ से उठाया जाएगा तो किधर जाएगा? जेल का स्टाफ जो है ना, उन्होंने कान बच्चा कूँ कर दिया है। जो सरीना ईसा बैठा उमर को खत लिखा करती, उमर था बंदयाल को काजी भी, तो अभी तो वो आया ही नहीं नौबत है, लेकिन क्योंकि बाकी जजों के भी तंबी के बगैर हैं उसकी वीडियो, तो जिसकी वजह से वो जज जो है पूरी तरह बोल रहे नहीं, वरना खाता लिखें। गैर कानूनी काम तो नहीं, अगर गैर कानूनी होता तो वो कर ही रहा था ना। जेल स्टाफ की जो है ना सर्वेलेंस, उन्होंने अब रेगुलर कर दी। कल भी तारीख था खान की, तो उस वक्त तो कैमरों से देखा जाता, बापों को भेजा जाता है, चेक करें कि इनकी मशकूक जेल स्टाफ की कौन कौन है। उधर उन्होंने करीब जेल स्टाफ तो है ही नहीं, सारा ये IO ही है वहाँ पे सारे, तो जिसकी वजह से वो उसमें से बिक गया। अब इनको क्या पता कि 80-90% बाजवे ने खुद कहा था कि 90% आर्मी तेरे साथ ही या उनकी फैमिलियाँ तेरे साथ है, तो बाकी भी तो है, तो ऊपर के 5-6 जो हैं वही वगैरह वगैरह का। 30 साल 35 साल यार हमारे इन सियासतदानों को लगे, शायद खकान बाजी चौधरी निज़ार को, मुफ्ता इस्माइल को, मुस्तफा नवाज खोखर को, के पहचानने ने कि ये नवाज शरीफ रॉन्ग नंबर है, ये अब पता लगा। तो जो पटवारी हैं तो उनको तो फिर करना है, जो नई पार्टी जो बना रहे उसके हवाले से। निसार अली खान जो बड़ी देर बाद आया था जूते खाने के लिए, उधर चला गया, इधर आते तेरी निकी नाजदी से मैं मेरे मुंह से कुछ और सुनेगा तो फिर वगैरह वगैरह। तो उसने अभी उनको भी हामी पूरी नहीं भाई, पूरी नहीं भरी, लेकिन कह दिया गया है कि जी हाँ जो आप कहोगे, जो ऊपर सब कहेंगे, जब से उसके ऊपर भैया रिटायर हुए हैं तो ये देखो जी, नहीं इधर नहीं खुलना, शायद खुल जाए।